बिहार विधानसभा चुनाव के पांचवें और अंतिम चरण में राज्य के 9 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इस चरण में सत्ताधारी महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने 25, आरजेडी ने 20 और कांग्रेस ने 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि एनडीए की ओर से बीजेपी ने 38, एलजेपी ने 11, आरएलएसपी ने 5 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 3 प्रत्याशी उतारे हैं। इस चरण के 57 सीटों में से सांसद पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी ने 46 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि AIMIM 6 सीटों पर पहली बार बिहार के चुनाव समर में भाग आजमा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 12 क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस चरण में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, माधेपुरा, सहरसा, दरभंगा जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं। पांचवें चरण में इन सीटों पर 58 महिलाओं समेत 827 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में मतदाताओं की संख्या करीब 1.55 करोड़ है। जिन 9 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं, उनमें 55 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, जबकि 2 विधानसभा क्षेत्रों में 3 बजे तक मतदान होगा। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान के बाद सभी सीटों की मतगणना 8 नवम्बर को होगी। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।